जब भी कोई कार्यक्रम होगा या कहीं भी कोई सामूहिक देशना होगी या बुद्ध के किसी भी सूत्र के बारे में बात होगी और संगत बैठेगी, यानी कि जब भी लोग संगति में संघ गीत गाएंगे, तो सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले त्रिशरण और पंचशील मांगा जाता है। त्रिशरण और पंचशील जो लिया जाता है वो रिक्वेस्ट पे मिलता है, याचना पे मिलता है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई भी भिक्खु या भिक्खुणी या आचार्यो या अर्हत, और अगर भगवान बुद्ध हो तब भी, वो आपको त्रिशरण यानी तीन शरण और पंचशील यानी पांच शील नहीं देंगे। ये एक परंपरा है, क्योंकि बिना मांगे शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा अगर आप मांगेंगे नहीं तो इसका मतलब शिक्षा को मांगने की आपकी जिज्ञासा नहीं है, तो आप उसको ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो शिक्षा है, जो सिक्खा है, वो मांगने पर ही दी जाती है। एक बात ये भी तय है कि भगवान बुद्ध ने जो नियम और पद्धति बनाए, बाद में कुछ लोगों ने उसको बौद्ध धर्म के नाम से मशहूर करने का, ख्याति करने का या चारों तरफ फैलाने का काम किया। बौद्ध धर्म, क्योंकि नाम तो कोई ना कोई देना था, तो इसको बौद्ध धर्म या बुद्ध का धर्म या बोधि करके नाम दिया गया। मगर यहाँ ये स्पष्ट है कि जैसे और रिलीजन होते हैं, उस तरह का ये रिलीजन नहीं है। एक तो इसमें गॉड नहीं है, जो गॉडी चीज़ हैं वो गॉड इसके अंदर नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कोई कर्मकांड भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी को ज़बरदस्ती या बलपूर्वक या अनुग्रहपूर्वक या कोई रिश्वत देके या कोई पैसा देके या कोई सहायता देके या किसी को ऑब्लाइज करके ये नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि कभी कोई भिक्खु या भिक्खुणी आपकी मदद करे और मदद करने के बाद कहे कि मैंने तुम्हारी मदद की है, अब तुम एक काम करो, ये जो बौद्ध का पद्धति है अपने जीवन में इसको स्वीकार करो। बेसिकली बौद्ध का पद्धति धर्म का और धर्म का प्राकृतिक नियमों का पद्धति है। ये जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में चलता है, कोई इसको माने या ना माने, मगर काम इसी के तहत में चलता है। ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसलिए ये हमेशा रहता है। तो याचना करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पाली के अंदर बनाया हुआ है। वैसे तो आप याचना किसी भी तरह से कर सकते हैं, प्रार्थना किसी भी तरह से कर सकते हैं, रिक्वेस्ट किसी भी तरह से कर सकते हैं, मगर पाली में सबसे पहले भंते से पूछा जाता है, ओकास अहंग भंते। तो ओकास अहंग भंते का मतलब है, ओकास का मतलब है कि भंते, अगर आपके पास समय है तो हमें थोड़ा सा दीजिए, या थोड़ा जगह दीजिए, या थोड़ा मौका दीजिए। अहंग भंते का मतलब है मुझे, भंते या भिक्खु जो भी हैं। त्रिशरणेन सह पंचशीलं, तीन शरण के साथ, पंचशीलं के साथ, त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। त्रिशरणेन सह पंचशील का मतलब है कि पंचशील के साथ त्रिशरणेन धम्मं याचामि, और धर्म की मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहं कृत्वा, अनुग्रहं कृत्वा का मतलब है कि मुझे अनुग्रहित कीजिए, अनुग्रहित कृत्वा शीलं देथ मे, शील देकर, भंते भंते मुझे शील देकर, त्रिशरण के साथ में पंचशील दीजिए, धर्म के अनुसार मैं याचना करता हूँ और मुझे अनुग्रहित कीजिए, ऐसा वो बोलते हैं। फिर वो द्वितीयपि बोलते हैं, द्वितीयपि का मतलब है द्वितीय और अपि, अपि माने भी होता है, द्वितीय माने दोबारा, दोबारा भी वो यही बात कहेंगे, भंते आप मुझे त्रिशरण के साथ में पंचशील देकर अनुग्रहित कीजिए, धर्म के अनुसार मैं इसकी प्रार्थना करता हूँ। तृतीयपि, तृतीयपि का मतलब है तिवारा भी, तृतीय और पी, तो तृतीयपि भी वो यही करेंगे कि आप मुझे त्रिशरणेन सह पंचशील, यानी पंचशील के साथ तीन शरण देकर अनुग्रहित कीजिए, धर्म के अनुसार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, याचना करता हूँ। तब भंते कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कहें। वो बोलते हैं यमंग बदामी तंग वदेत या वदही, यानी कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। फिर वो कहते हैं नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य, तीन बार इसको बोलते हैं। तीन बार का मतलब है एक बार मन से, एक बार वचन से और एक बार कम से। नमो तस्से का मतलब है, नमो माने होता है कि नमस्कार करता हूँ, नम्र होता हूँ, झुकता हूँ। नमो तस्से, तस्से का मतलब है उनके लिए, नमो तस्से भगवतो यानी कि उनके लिए जो भगवत हैं, भगवत का मतलब जिन्होंने सारे के सारे राग और द्वेष को भग्न किया हुआ है। अरहतों का मतलब है, अर माने जो होता है वो तिलियां होती हैं, अरहत माने होता है उनको खत्म करना,
राग और द्वेष की जो तिलियां हैं जो जीते जी खत्म कर देते हैं उनको अरहत बोलते हैं, यानी अब उनके अंदर ना राग है ना द्वेष है, तो अरहतो उनको नमस्कार करता हूँ। जो सम्मा सम बुद्धस्य, जो सम्मा सम, सम्मा का मतलब सम्यक है, बिल्कुल राइट है, पॉजिटिव है, सम माने बराबर हैं, पूरे हैं, और बुद्ध हैं यानी कि जो बुद्ध हैं जिनको बोधि प्राप्त हो गई है, जो पूरे हैं और जो सही हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ 3 बार। उसके बाद में फिर वंदना होती है, उसके बाद में फिर जो 3 जेम्स हैं वो होते हैं, और ये सारा कार्यक्रम इस प्रकार चलता है। धन्यवाद।